विकासखंड माधोगढ़ की ग्राम पंचायत चाकी की अनोखी और अनूठी कहानी, कितनी सच्ची कितनी झूठी, गांव की हालिया स्थिति को क्या किया जाए। बेचारे मजदूर सरकार द्वारा दी जा रही सुख सुविधाओं से कोसों दूर हैं, जिनके पास ना आवास ना ही मिला शौचालय। हालांकि यदि देखा जाए तो सूबे के मुखिया माननीय मोदी जी, योगी जी ने गरीब लाचार बेबस मजदूरों के लिए कई प्रयास किए, ताकि उनके भरण पोषण के साथ साथ उनकी दैनिक स्थिति को सुधारने में अथक प्रयास किए। उन्होंने मजदूरों के लिए आवास, शौचालय, बैंकों में शून्य खाता धारक को प्रतिमाह 500 रुपए भी दिया है। क्या नाम है आपका? रामदास। कौन सा गाँव है? चाकी। आपके ये रास्ते में कुआं बना हुआ है, किसका कुआं है? सार्वजनिक है या फिर किसी के द्वारा बनाया गया? सार्वजनिक। ये बीच रास्ते में यहाँ कोई दुर्घटना भी हो सकती है, आगे भी हो सकता है कोई मामला, मतलब जो है रात में गिर जाती है। प्रधान से क्यों भी कह चुके हैं लोगों ने, रात के पुलिस आई तब, जिसके बाद यहाँ पे निकलवा देते हैं और बोलते हैं सुबह बन जाएगा। कुछ लगता नहीं। क्या इस बात की जानकारी आप सचिव प्रधान या उन्हें दी है? क्या कहा उन्होंने? प्रधान तो क्यों भी रो चुके हैं, मतलब जो है इन्होंने आए, मतलब जो है गंजाइया कछुआ मिलने, लेकिन बिंदु मतलब जो है जा कहा कि बन जाएगा, तब बन जाएगा। गांव चाकी, ग्राम चाकी, किस पद पे हैं? पंचायत। अभी जो आप पे एक आरोप लगाया गया कि पंचायत मित्र के द्वारा हम पे कोई ऐसा उपकार नहीं हुआ जिससे हम मनरेगा के तहत काम मिल सके, तो क्या कारण रहा जिसके चलते काम नहीं? काम बराबर हमारा चल रहा है, जो काम करने वाले आदमी जो इच्छुक हैं उनको बराबर काम मिल रहा है। जॉब कार्ड ना बनाने हेतु इन्होंने संपर्क किया, फिर भी ऐसा कुछ आरोप लगाया गया कि नहीं बन सका? पहले से इनका जॉब कार्ड बना हुआ है, लेकिन 5-5 साल ये लोग काम पर नहीं गए तो डिलीट हो गया है इनका। कितने लोगों का बना है इनके घर में जॉब कार्ड? एक लोग, इनके पिताजी का, इनके पिताजी का। घर के इनमें सदस्य 9 है, 9 सदस्यों के बीच में ऐसे क्या श्रेणी बनी रही जिसके कारण नहीं हुआ? ऐसा हुआ है कि इन्होंने मांग नहीं की हमसे। पापा गए थे सर इनके पास, जैसा कि उन्होंने बताया कि हमारे पिताजी गए थे, वो बुजुर्ग भी थे, फिर भी लेकिन नहीं हुआ। अरे झूठ बोल रहे हैं, जिसका जॉब कार्ड बनना हो वो संपर्क करे। अच्छा, आपका कहना है वो झूठ बोल रहे हैं। मेरा नाम रहमत अली मस्ताना है। किस गाँव के निवासी हैं आप? चाकी के। क्या मामला है आपका? हमारा, हमको लेटरिंग नहीं दी प्रधान ने। आपको शौचालय नहीं मिला तो आपने इस बात की शिकायत क्या प्रधान जी से की है? हाँ, प्रधान से करी और सचिव से करी और बीडीओ साहब से किया थे। बीडीओ साहब ने कह रहे कि हाँ मिल जाएगी, और प्रधान कह रहा है कि अब खाते में पैसे नहीं है, 5 साल है होंगे साहब, और नुहार के टट्टी फिर पाऊ साहब, हमारे 2 घोड़े बेकार हैं साहब। गाँव वालों से पूछ सकते हो आप कि हम लेटरिंग नहीं हो पाते हैं और नुहार के लेटरिंग होते हैं। आपके परिवार में कितने सदस्य होंगे? हमारे परिवार में आएंगे करीब 13 आदमी के सदस्य हैं। हाँ सर, ने बताया कि पंचायत के मित्र और प्रधान जी को भी बताया कि जॉब कार्ड नहीं बना गया, क्या कारण रहा आपको उन्होंने क्या बताया? हम बता नहीं सकते, ये बोले कि वो आपका चढ़ नहीं पाएगा। कब गए थे आप, किस समय गए? जब इन्होंने गांव में मुनादी करवाई थी कि जिसका जॉब कार्ड बनना हो या चढ़ना हो तो चढ़वा जाए, तो उसी दिन हल गए थे पापा। तो जबकि पिताजी से क्या कहा गया? ये कहा गया कि आपका नहीं चढ़ पाएगा। थैंक यू। लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन